यार घाट रोड में फिफ्थ फिफ्थ गियर पे चल रहे हैं यार क्या बात कर रहे हो <laughs> आज रियल परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया हिल पे हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल वीडियो दोस्तों लास्ट वीक जो है हमने चलाया था ट्राइम केंड्रेड इसमें जो है हमने एक लॉन्ग ट्रिप किया अलोंग अग माई वाइफ तो राइडोन दोनों मिलकर जो है इस बाइक पे जो है राइड किए इससे जो है हमें बहुत सारा आइडियाज आ गया करीब करीब साढ़े तीन, तीन के आसपास मेरा टोटल राइड हुआ इंक्लूडिंग सिटी एंड देन वो डेस्टिनेशन एंड कम बैक एंड इसमें जो है सारे के सारे टाइप की राइड देख ली एक्सेप्ट ऑफ रोड मतलब हार्ड कोर ऑफ रोड तो नहीं देख पाए ब्रोकन राउट हम लोग देखे बाकी हम लोग हिल राइड कर लिए हम लोग जो हाईवे रन कर लिए सिटी राइड कर लिए तो इसमें हम लोगों को जो है एक अच्छा फॉर्मेट है इन मतलब फॉर्मेट so, so, really like मतलब मैं एक लॉन्ग टूर पर जाऊं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ मोटरसाइकिल के साथ एक या दो दिन टाइम स्पेंड करू थोड़ा सिटी में चलाउं थोड़ा हाईवे पर चलाऊ थोड़ा ऑफ रोड चलाऊ थोड़ा हिल पर चलाओ ये होने से ना एक कंप्लीट पैकेज में आपको एक आइडिया आता है कि मोटरसाइकिल चलाते हो उसकी एडवांटेजेस क्या है उसके क्या है, क्या है ये सब कुछ अच्छी तरह से आता है वाली जो ना जो फर्स्ट रहता है इसमें मुझे थोड़ा सा वो आइडिया इतना स्ट्रॉन्गली नहीं आता इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि हम मैंने जो मैं जो है सारी की सारी कंपनीज को जो जो राइड रहता है तो मीडिया राइड जो रहता है उसको मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे चैनल जो है एक प्रोफेशनल रिव्यू चैनल डेफिनेटली नहीं है हम जो है जनरली मैं क्या करता हूँ मैं टूर करता हूँ कभी कभी सिटी पर चलाता हूं हाईवे पर चलाता हूँ लॉन्ग ट्रिप पर जाता हूं उस राइड की जो है वीडियोज बनाता है और उसके बाद थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एंड ये जो है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्प करता है इन मेकिंग राइट डिसीजन मतलब आप एक मोटरसाइकिल लेना चाहते हो तो उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है थोड़ा सा आपको हेल्प करता है आपकी मोटरसाइकिल सिलेक्ट करने के लिए लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि फाइनली आपको खुद ही डिसाइड करना आप जाओ टेस्ट राइड लो बार बार टेस्ट राइड लो उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि आप किस तरह से एक मोटरसाइकिल को जज या जस्टिफाई कर सकते हो कि आपके रिक्वायरमेंट के लिए सही है नहीं है तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे लेकिन आज जो है बात करते हैं स्पीड फोर के बारे में और जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम लोग अभी जो है थोड़ा सा फर्स्ट लॉन्च को अवॉइड करेंगे आई थिंक के टी एम थ्री का ड्यूब जो था वो मेरा लास्ट मीडिया इन्वाइट था इसके बाद हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ ये है कि मैं स्पीड का जो मतलब जो ट्रैम्प की जो स्कैम फोर हंड्रेड है शायद उसका मैं राइड ले लूं क्योंकि मैं खरीदना चाहता हूं उस मोटरसाइकिल को तो अगर खरीदने से पहले मुझे एक अच्छा वाला राइड मिल जाए तो ऑब्वियसली बात है मेरे मेरे बाइंग डिसीजन के लिए भी ईजी हो जाएगा बट अदरवाइज देखने से और कोई भी ब्रांड का हम लोग जो है मीडिया uh, राइड पर नहीं जाएंगे दैट्स वट इज द प्लान एज ऑफ नाउ आगे चल के देखते हैं क्या होता है एनीवेज दोस्तों सो so इस वीडियो पर जो है हम लोग बात करेंगे डिटेल में बहुत सारा आपका क्वेश्चन भी आया था तो उसके हिसाब से मैं जो आंसर करूंगा ये थोड़ा सा डिटेल वीडियो रहने वाला थोड़ा लंबा हो सकता है उससे पहले लेकिन आपको बताता हूँ कि हमारा जो एंड टॉर्क है उसके लिए जो टायर्स आ चुका है फ्रॉम राइस मोटर

बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे एक डिटेल वीडियो में लेकिन उसका थोड़ा सा झलक मैंने जो है अपना पेज पे भी दे दिया था एक रील में वो वीडियो आप डेफिनेटली देख लो so, जैसे आपने देखा कि हमने जो है इंस्टॉल कर दिया राइज मोटर के टायर्स ऑन एंटॉर्क इसका भी एक डिटेल वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी एक दो दिन में आ जाएगा वो डेफिनेटली आप लोग देखना अब जो है बात करते हैं ट्राइम की स्पीड फोर जी हाँ दोस्तों हमने जो है करीब करीब थ्री से फोर किलोमीटर इसको राइड किया मेरा करीब करीब अगर पेट्रोल के एक्सपेंसिस देखो तो पहले जो है नौ सौ का पेट्रोल डाला था एंड देन सेकंड जो है पांच सौ रुपए का डाला था तो ऑलमोस्ट चौदह सौ का पेट्रोल हुआ अब लीटर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो करीब करीब इतना किलोमीटर चलाया 350 से 400 किलोमीटर अब दोस्तों अगर ये बाइक के बारे में ही एक आप मुझे ऐसा सवाल कि भाई एक ऐसा चीज बताओ जो आपको बहुत बढ़िया लग गया है प्राइम की लॉन्ग मतलब राइड पे तो मैं ये बताऊंगा कि इसकी हिल क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी जो हम लोग जो हिल पे जा रहे थे जो थेगिरी का जो हिल था जहां पे जो छोटा छोटा वो होता है ना कि हिल्स पर आपको हेरपिन घाट्स मिलता है वहां पे मुझे लगा कि ये मोटरसाइकिल मैंने जितना आज तक जो मोटरसाइकिल इस सेगमेंट पे चलाया है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है उसका रीजन ये है कि अगर आप ये वीडियोस देखोगे इसमें आप देख सकते हो कि थर्ड और फोर्थ गियर पे ये कॉर्नर्स ले रहा था बहुत आराम से जो है अप हिल मतलब क्लाइम कर रहा था एंड आप इमेजिन करो कि हम दो लोग बैठे थे ऑलमोस्ट दोनों की अगर वेट आप बात करोग वन फोर्टी वन फिफ्टी तो होना चाहिए तो उतना लोड के बाद भी ये मोटरसाइकिल जो तीन और चार गियर पर जा रहा था कॉर्नर्स ले रहा था यही मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा इस मोटरसाइकिल के तो आई एम श्योर कि जो लोग हिली एरियाजी समय रहता आई थिंक उनके लिए ये मोटरसाइकिल थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होने वाला है बिकॉज़ उनको बार-बार वो लोअर गियर पे जाके रेव करना की जरूरत नहीं है आराम से ये जो है थर्ड फोर्थ ये गियर पे खींच लेता है तो ये है सेकेंड अच्छी पॉइंट अगर मुझे पूछोगे तो है वो जो है हाईवे हाई पे आ, स्पीड ये एक्चुअली इसकी नाम स्पीड है एंड एक्चुअल में बाइक फास्ट भी है फास्ट इन द सेंस क्या है देखो फास्ट मतलब ये नहीं कि 180 190 200 ऐसे चलाना नहीं है फास्ट मतलब यह है कि मान लो चार सौ सी की मोटरसाइकिल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट ये हंड्रेड टेन हंड्रेड ट्वेंटी पर ईजिली चले तो ये मोटरसाइकिल के लिए हंड्रेड टेन हंड्रेड ट्वेंटी जी स्पीड है बहुत हीजी है ऐसा नहीं कि इसमें वाइब्रेशन नहीं आता था डेफिनेटली इसमें अस्सी के बाद जो आपको वाइब्रेशन फील होता है लेकिन इसकी वाइब्रेशन जो है इसकी परफॉर्मेंस को ड्रैग नहीं करता है कुछ मोटरसाइकिल्स ऐसे रहते हैं जिसमें वाइब्रेशन जो है आपको ड्रैग करता है परफॉर्मेंस को मतलब वो लगाता है मतलब मोटरसाइकिल चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि यार मुझे और खींचो मत मेरा लिमिट यहाँ पर इसकी बात यह नहीं है इसकी बात यह कि यह बोलता है कि भाई मेरा लिमिट ऊपर है लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का झंझानट दूंगा वाइब्रेशन दूंगा जो कि थोड़ा सा हैंडल बार पे फील होता है तो घर करके जैसे कि एटीएम पे फील होता है वैसे ही थोड़ा सा फील होता है बट मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये वाली वाइब्रेशन अच्छा लगेगा जैसे इन्होंने कैटीएम पर दुकाटी पे खास करके देखो अगर आप कोई भी डुकाट को वैसे स्टार्ट कर लोगे तो आपको इमीडिएटली एक रफनेस फील होगा मुझे तो मैं एक बार मैं गोल्ड विंग से मेरा दोस्त का जो डियावेल है एक्स डियावेल उस पर शिफ्ट हो गया मुझे मतलब इमीडिएटली फील हुआ ये भाई कौन सा बाइक चला चाइनी चाइनीज बाइक है क्या मतलब इनिशियली जैसे आप एक हॉन्डा से शिफ्ट होते हो एक सिक्स सिलेंडर से शिफ्ट होते एक स्मूथनेस अल्ट्रा स्मूथनेस और यहाँ पे ये थोड़ा रफनेस आपको फील होता है इमीडिएटली आपको फील होता है लेकिन जब वो मोटरसाइकिल को थोड़ी देर आप चलाते हो ना फिर आपको वो मज़ा आता है वो उस वो जो जब आप रेव करते हो वो वाइब्रेशन ही आपको एक अलग टाइप का किक देता है तो वो मोटरसाइकिल पे उस टाइप वाइब्रेशन है नॉट दैट की जैसे आर्मी में होता है आर्मी में क्या होता है है ना जो वाइब्रेशन आता है, वो आपको फील करवाता है कि यार करवाइकल और तेज मत चलाओ ये लिमिट से बाहर जा रहा है तो वो वाली फील इसमें नहीं देता है तो वो है बात अब दोस्तों इसमें एक और पॉइंट भी मैं क्लियर करना चाहूंगा तो जब मैं वापस आया आने के बाद मुझे कुछ लोग मिले जो मुझे बोले कि यार बोलो भाई हम जो है मतलब शोरूम पर मिले हम जो है रॉयल इनफील्ड भी चला के आए वो जो फील इसमें नहीं आ रहा है वो फीलिंग के बारे में हम लोग एंड ऑफ द वीडियो तक बात करेंगे उससे पहले बाकी सारी चीज क्लियर कर देते हैं हाईवे पे इजी स्पीड जो है इसमें 110 120 बहुत इजी है थ्रू आउट द डे यू कैन क्रूज मतलब अराउंड दैट स्पीड एंड हम लोग खास करके जैसे चेन्नई वाला पैच है अगर आपको बताओगे तो जो कृष्ण से जो चेन्नई वाला पैच होता है उसमें गाड़ियाँ बिल्कुल रहता नहीं है पूरा खाली खाली सड़क रहता है स्ट्रेट रोड्स रहता है अच्छी रोड है मतलब अच्छा खासा स्पीड पर आप चल सकते हो वहाँ पे मेरे बाकी सारे दोस्त जो है हंड्रेड ट्वेंटी हंड्रेड थर्टी ऐसा जा रहे थे एंड मेरा मेरे पास सबसे लोअर पावर का मतलब आप बोल सकते हो चार सौ की मोटरसाइकिल है बाकी सब बड़े बड़े बाइक्स थे आई थिंक ये थ्री एडवेंचर भी था वो भी हमारे साथ ही था लेकिन कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे जो बड़े बाइक्स हैं वो बहुत आगे निकल गए और मैं उनको पकड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये मोटरसाइकिल ईजिली विथ अ पिलियन वन थर्टी वन फोर्टी कंटिन्यूसली कर रहा था कभी कभी हम लोग वन फिफ्टी वन सिक्सटी भी चले जाते मैं एक टाइम पर मैंने टेस्ट भी करने की कोशिश की स्ट्रेट पैच था तो कितना तेज जा सकता है तो वन फिफ्टी भी चला जाता है एंड ऐसा कोई आपको बहुत स्केरी भी फील नहीं होता ऐसा नहीं कि मोटरसाइकिल का लगता है कि यार ये एंड ऑफ लाइफ है एंड देन बहुत ये लिमिट से ज़्यादा पुश कर रहे हो वैसे भी फील नहीं हो रहा था तो उस हिसाब से थोड़ा हाईवे स्पीड्स भी इसमें बहुत अच्छा है आप डिस्टेंस जो है बहुत ईजिली कवर कर लोगे दोस्तों अगर माइलेज की बात करेंगे तो मुझे करीब करीब जो है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी क्योंकि मैं जो है पूरा पुश कर रहा था लिमिट क्योंकि जब आप टेस्ट करना चाहते हो तो आप स्लो भी चलाओगे तेज भी चलाओगे सिटी में चलाओगे हर तरह की कोशिश करोगे क्या क्या है ताकि आप बता सकते हो कि वीडियो में वो कैसे फीलिंग होता है तो मेरा जो थोड़ा सा अग्रेसिव राइड था एंड उस हिसाब इस से ट्वेंटी फोर का माइलेज आराम से दे रहा था मुझे ये लगता है कि अगर आप हंड्रेड ऐसे स्पीड मेंटेन करोगे तो ये करीब करीब ट्वेंटी नाइन थर्टी तक की माइलेज दे देगा तो ये एक एडवांटेज मोटरसाइकिल के टैंक रेंज के हिसाब से शायद बहुत इसाव ज्यादा नहीं मिलेगा

ब्रेक्स वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेक आप बोल सकते होते सेगमेंट पे सबसे बढ़िया ब्रेक है इसकी ब्रेक मुझे पर्सनली फील होता है के टी एम और अपना जो डोमिन है उससे भी बेटर ब्रेक्स है ओवरऑल ब्रेक के फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा जितना तेजी भागता है उतना ते, तेजी से मतलब स्टॉप भी हो जाता है आई थिंक ट्राइम्स आर नोन टू तो हैव गुड ब्रेक्स क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ट्राइम की बड़े बाइक्स पर भी ब्रेक्स ब्रेक बहुत अच्छा रहता है तो आई थिंक इट इस हिसाब से ब्रेक्स बहुत अच्छा है ब्रेकिंग अच्छा है कंफर्ट की अगर बात करेंगे तो मेरा हाइट के हिसाब से मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि यार थोड़ा ये झुक के थोड़ा बैठना पड़ता है थोड़ा बैकबोन पे हल्का हल्का मुझे पेन फील हुआ जब मैं पूरा दिन राइड कर रहा था तो मेरे मैं अगर मान लो कि कभी स्पीड 400 हंड्रेड खरीदूंगा तो पहला मॉडिफिकेशन जो मैं करने वाला हूँ वो है हैंडल बार राइजर लगा लूँगा या फिर एक टॉल हैंडल बार लगा लूंगा जिससे मुझे थोड़ा राइडिंग पोस्चर और सीधा और अपराइट हो जाएगा कॉर्नर्स में देखो कॉर्नर मोटरसाइकिल बहुत अच्छा कर रहा था लेकिन ये सब जो क्लासिक मोटरसाइकिल्स होते हैं ये जनरली इतना कॉर्नर फ्रेंडली होते नहीं है उसका रीज़न ये है कि आप जो है ना बहुत अच्छी तरह से ग्रिप नहीं कर सकते हो खास करके जैसे शॉर्ट हाइट राइडर है उनको जो है मतलब टैंक तक वो पैर पहुंचेगा नहीं मतलब वैसे वो स्ट्रक्चर ही वैसा है अगर आप कोई भी स्ट्रीट बाइक हो गया या फिर स्पोर्ट बाइक हो गया इवन एडवेंचर थ्री हो गया उसमें क्या है ना आपके जो टैंक से पहले वाली हिस्सा में भी बहुत अच्छी तरह से आप ग्रिप बना सकते हो तो मतलब जो रबर की जो पैड आता है वो अगर टैंक पैड होता है वो अगर लगा लेते हो तो बहुत अच्छी तरह से ग्रिप कर सकते हो जितना अच्छा आप ग्रिप कर पाओगे बाइक को आपको उतना अच्छा फील होगा ऑन दी कॉर्नर तो ये उस हिसाब से नहीं एंड ऑब्वियसली क्या होता है ना क्लासिक मोटरसाइकिल में वेट मैनेजमेंट इतना बहुत बढ़िया नहीं रहता है कि आपको कॉर्नर फ्रेंडली लगेगा ये मोटरसाइकिल्स होता ही कुछ अजीब मतलब डिजाइन से ही हो जाता है जो कि स्ट्रीट और नेकेड में बहुत अच्छा आपको फील होता है वाइल यू डू ए कॉर्नर सो ये जो एक एडवेंचर मोटरसाइकिल से बेटर कॉर्नर करेगा लेकिन स्ट्रीट और स्पोर्ट बाइक के जैसा कभी नहीं कर पाएगा तो वो है बात तो कॉर्नर में वो बात है नाउ कमिंग डाउन टू द राइडर एंड पिलियन कंफर्ट कंफर्ट के मामले में बाइक काफ़ी अच्छी है मैं और मेरी वाइफ जो आ, मतलब शुरू किए जब राइड देखो इसकी सस्पेंशन के ट्रैवल कम है ये आपको समझना पड़ेगा तो उसके वजह से क्या होता है जो छोटे छोटे गड्ढे गड्ढे नहीं मतलब वो रंबलर्स टाइप रहता है ना उसको क्या मतलब ग्रेवल हो गया ये सब हो गया ये सब इसमें बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है सस्पेंशन सब कुछ शोक कर देता है दो आदमी के साथ मैंने खास करके देखा कि सस्पेंशन और थोड़ा सेटल हो जाता है अच्छा लगता है चलाने में लेकिन जब अचानक कोई गड्ढा आ गया पॉठोल आ गया या सडन जर्क आ गया उसमें सस्पेंशन थोड़ा काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ट्रैवल जैसे कम है और आप बैठ

हम लोग बहुत थके, थक, थके हुए नहीं थे तो उस हिसाब से अच्छा है कि कभी कभी मोटरसाइकिल होता है कि पूरा एक तीन सौ किलोमीटर राइड में भी आप थक जाते हो इसमें वो सीन नहीं हुआ था क्योंकि मोटरसाइकिल चलाने में अच्छा है परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसकी वजह से नहीं हो रहा था एंड ओवरऑल भी देखोगे ना मोटरसाइकिल की फील भी अच्छा है तो उस हिसाब से आप थकोगे नहीं कंफर्ट uh, के बारे में बस यही है कि राइडर प्लेन को अच्छा कंफर्टेबल बट यू हैव टू बी केयरफुल जब भी आपको सडन पॉट होल या बंप ऐसा कुछ आता है क्योंकि ट्रैवल कम हो जाता है उसके वजह से दिक्कत हो सकता है तो वो है बात आई थिंक वहां पर जो स्क्रैमलर फू uh, हंड्रेड जब लॉन्च होगा वो एज आ जाएगा इसके ऊपर स्पीड के ऊपर डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो स्क्रैमलर प्रेफर करेंगे बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन ग्राउंड प्लस की कोई दिक्कत नहीं जितना ग्राउंड प्लेंस था हम दोनों साथ में थे एंड होम्स जो भी नॉर्मल uh, वाला होम्स था कहीं भी टच में हुआ एक्चुअली एक जगह पर भी कहीं टच नहीं हुआ उस हिसाब से भी अच्छा था इनफैक्ट एक जगह पे जो है वो लेक था तो लेक के लिए हम लोग ऐसे एक छोटा सा तो नहीं रोड से आपको नीचे उतरना एक टाइप था तो उसमें हम लोग उतरे इसमें बिल्कुल टच नहीं हुआ ना जाने के टाइम पर कम से कम सोच रहा था कि कहीं लगेगा कहीं भी टच न तो उस हिसाब से अच्छा है, है। यूजेबल ग्राउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है सिटी की परफॉर्मेंस कैसा था सिटी में मैंने करीब करीब जो है शोरूम से लेकर आया अपने घर और थोड़ा सा ट्रैफिक होते हुए क्योंकि शाम को था थोड़ा क्या एक्चुअली ट्रैफिक पूरा हो गया था शाम के टाइम में बैंगलोर में बहुत ट्रैफिक होता है उस केस पे मैंने देखा कि इसके फैन जो है कंटिन्यूसली बीच बीच में रन कर रहा था उस टाइम पर जो आपको थोड़ा हीट फील होता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है सिटी में बंपर टू तो बम्पर ट्रैफिक में आप कोई भी बाइक चलाते हो जनरली हीट हो जाता है और इसमें भी हीट होता है यहाँ से जो जो हवा है वो आपको फील होता है बॉडी पर आपको डेफिनेटली फील होता है हाईवे पर मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ और हिल पर नहीं महसूस हुआ लेकिन सिटी में बंपर टू बंपर ट्रैफिक में थोड़ा सा हीट इसमें होता है जो आपको फ़ील होगा सो आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो है हर पॉइंट्स को कवर कर लिया अच्छा हेडलाइट के परफॉर्मेंस बात करते हम लोग जब गए ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग हो गया था लेकिन ब्राइटनेस अच्छा था मुझे लग रहा था कि हेडलाइट ठीक है लेकिन ऐसा होता है कि यार आजकल जब से ये एलईडी लाइट्स बन गया है, तो ये आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा एक लाइट लगाना पड़ता है अगर आप इसको लेकर टोरिंग करना चाहते हो तो आई थिंक आपको एक्स्ट्रा लाइट लगाना पड़ेगा ये मोटरसाइकिल सबसे बेस्ट क्या फिट होता है पता है आप इसको ज्यादातर जैसे मान लो सिटी पे यूज करते हो कभी कभी आप चले गए मतलब वीकेंड्स पर आप चले गए ब्रेकफास्ट राइड के लिए या फिर कोई हिल राइड पर यह सब में आपको बहुत अच्छा लगेगा हाँ क्या ये मोटरसाइकिल लद्दाख कर पाएगा डेफिनेटली कर पाएगा या लदाख आजकल हर कोई मोटरसाइकिल करता है और इसके जो सस्पेंशन की जितना ट्रैवल है अगर आप सिंगल पैसेंजर हो मतलब अकेले हो विथ लगेज आई थिंक वो इनफ है मतलब आपको कोई भी जो लद्दाख वाला जो रफ पैच या जो सब मिलेगा वो सब कर लेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है जस्ट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द टायर थोड़ा सा टायर आपको हल्का सा जो है बटन टाइप का अगर आइज मोटर या ऐसे कोई कंपनी से आपको मिल जाता है तो वो अगर लगा देते हो तो, तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा खास करके रफ पैचेस में क्योंकि ये जो टायर इसके साथ आता है थोड़ा सा सॉफ्ट कंपाउंड आता है ताकि रोड ग्रिप अच्छा आए और आपको अच्छा कॉर्नर परफॉर्म मिले तो लेकिन उसके डिसएडवांटेज ये है कि आप अगर ऑफ रोड में रहते हो लेते हो तो हो सकता है कि टायर वेयर पे थोड़ा डैमेजे हो सकता है उस हिसाब से थोड़ा सा टायर बस चेंज कर दो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड मोटरसाइकिल फॉर टूरिंग इसमें Uh, दो मॉडिफिकेशन स्टोरिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक तो आपको हैंडल बार थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा क्योंकि वो जो हल्का सा बेंड ना वो एक्चुअली डेंजरस होता है जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो आपको फील होने लगता है या फिर आपके हाथ अगर बहुत लंबा है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे जैसा अगर आप शॉर्ट बंदे हो तो आपके लिए जरूरी है और देखो सीट हाइट बहुत बढ़िया है मतलब पहला मोटरसाइकिल था जिसमें मतलब मैं फैट फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ मेरी बीवी बैठने के बाद एंड कहीं पर भी मेरी वाइफ को मतलब डर नहीं लगता है क्योंकि जब टॉल बाइक चलाता हूँ अगर वो बैठती है तो उसके दिमाग में डर तो रहता है तो लेकिन वो चीज़ इस पर नहीं रहता शॉर्ट बाइक्स में

इनफैक्ट uh, ये क्वेश्चन मुझे एक आया था इससे भी uh, किस टीवीएस uh, के रॉनिन भी किसी के पास है वो भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे तो देखो आप लोगों के लिए मैं एक ए, एक ही आंसर बनूंगा अगर आपके पास सी बी जैसी बाइक ऑलरेडी है एंड आप सोच रहे हो कि मुझे एक अपग्रेड करना है एंड आप, आप, आप जो स्पीड 400 लेना चाहते हो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं मिलेगा जिसमें आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं हो जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि आपको बहुत बड़ा चेंज हुआ थोड़ा सा चेंज होता है मैं भी आपको बता दूँ कि थर्टी ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा बस वही है सी बी जो है दोस्तों अभी मैं बोलूँगा एक अच्छी बाइक है अपने सेगमेंट में जो जो मोटरसाइकिल क्लेम करती है वो अच्छा करता है uh, क्या अच्छा है जैसे फॉर एग्जाम्पल देखोगे टॉप स्पीड देखो बहुत ज़्यादा नहीं है मतलब फोर्थ गियर के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला है वो सेम फोर्थ गियर से ऊपर वाला गियर सेम रहेगा बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड नहीं जाएगा बट जितना तक जाएगा मान लो कि 100 110 पे भी आप जा रहे हो इट इज़ अ कंफर्टेबल स्पीड काफ़ी स्मूथ है रिफाइंड इंजन है uh, एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी अच्छा है मतलब मैंने देखा कि रॉयल इनफील्ड में पहले एग्जॉस्ट नोट होता था वो धीरे धीरे होंडा पे ये मूव हो गया तो उसके एग्जॉस्ट नोट अच्छा है उस हिसाब से आपको वो अपग्रेड बहुत बढ़िया नहीं रहेगा लेकिन हाँ अगर आज के डेट पे आप सोच रहे हो कि यार मैं सी बी थ्री फिफ्टी खरीदूंगा या फिर ट्राइम स्पीड फोर हंड्रेड खरीदूँगा इन दैट केस आई थिंक यू शुड थिंक वनस आपको ट्राइम फोर हंड्रेड जो है थोड़ा सा चलाना चाहिए चला के थोड़ा देखना चाहिए आई थिंक इन दैट केस इट विल मेक सेंस की आर इन स्टॉफ बाइंगे सी बी बिकॉज प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है मे बी की हो तो अगर वो बेटर फील होगा सीबी थ्री फिफ्टी में अब दोस्तों आते लास्ट वाला एक्चुअली मैं जब शोरूम में फाइनली बाइक ड्रॉप करने के लिए गया, सो थैंक यू सो मच खिवराज मोटर्स जिन्होंने हमें बाइक दिया एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्या हो मैंने जब बाइक मतलब चला के गया फिर आया आने के बाद नेक्स्ट जब मैं बाइक ड्रॉप कर था शोरूम पे तो वहाँ पे क्या मैं बाइक ड्रॉप कर फिर मैं बाहर आ रहा था फिर दो लोग मुझे मिले आ, वो लोग एक्चुअली आई थिंक रॉयल इनफील्ड के शोरूम से जाके आए थे फिर वो लोग ये बाइक भी टेस्ट राइड किए थे एंड देन दे वर डिस्कसिंग विथ मी कि बुलू भाई हमने ये बाइक जो है चलाया वो भी बाइक चलाया लेकिन इसमें ना वो रॉयल इनफील्ड वाली फील नहीं आ रहा है सो so, देन मैंने समझने की कोशिश किया कि एक्जैक्टली exactly क्या हो रहा है उनके साथ सो so, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं बिकॉज आई एम श्योर कि आप अगर ये दोनों बाइक्स की टेस्ट राइड लोगे तो आपको भी ये डिफरेंस फील होगा सो so, दोस्तों आपको बताता हूँ क्या हुआ जब मैं हैदराबाद गया था तो जो मोटो जिपी का राइड था तो वहाँ पे मैंने हैदराबाद गया था जो हैदराबाद से शुरू हुआ था दिनों भाई ये सब थे तो वहाँ पे क्या हुआ मैं मैंने सोचा कि यार मैंने जो है हंटर नहीं चलाया तो अपना रॉयल ब्रदर के पास हंटर था तो मैंने वो बाइक मांग लिया मैंने बोला कि चलो यार दो दिन के लिए चलाते हैं तो मैंने जैसे वो हंटर पिक किया वहाँ से एंड आई वॉज विथ वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम हैदराबाद सो ओपिलियन थे आप बिलीव नहीं करोगे मुझे जैसे प्यार हो गया मोटरसाइकिल पे मतलब जो जब मैं उस सिटी से निकल रहा था वो दुख दुख साउंड अच्छा साउंड आता है फीलिंग अच्छा आता है देखने में बाइक अच्छा है प्राइस पॉइंट भी दिमाग में कहने कहीं काम कर रहा है कि यार बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी बाइक है ये सब कुछ काम कर रहा है वॉज तो थोरोली इंप्रेस्ड तो मैं क्या इलेक्ट्रॉनिकिटी में रहता थोड़ा लेफ्ट राइट ऐसे घुमा फिरा सब करा सब मुझे अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा भाई अच्छा नेक्स्ट डे मोटर जेबी का सुबह सुबह राइड था मैं दिनों भाई को भी बोला यार ये बाइक तो बहुत बढ़िया है यार क्या लोग इधर उधर का कमेंट्स पास करते हैं तो बहुत अच्छा है रॉयलफीड तो बहुत अच्छा बाइक बना रहा है सो माई कमेंट वॉज एक्जैक्टली दिस एंड देन हमारा वहाँ से एक शुरू हुआ एक राइड जो कि करीब आई थिंक राउंड ट्रिप करीब करीब 40 से 50 किलोमीटर था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे मेरे पास बहुत सारा स्ट्रेच ऐसा मिला जहाँ पे मुझे थोड़ा रेव करने का मौका मिला यू ओंट बिलीव दोस्तों मैं वहाँ से आया अगर आप दिनों भाई की वो वीडियो देखोगे शायद उसमें पता चलेगा तो दिनों भाई मेरा मतलब मजाक कर रहे हैं कि क्या सुबह कुछ बोल रहा था अभी क्या बोल रहा है मेरा और मेरे दोस्त दोनों का जो है कमर में दर्द हो गया बिकॉज ऑफ द स्टिफ सस्पेंशन खाली उतना ही नहीं वो बाइक जो है मैंने देखा कि पचास साठ तक बहुत अच्छा फील करता है क्योंकि लोन टॉर्क बहुत अच्छा है बहुत एविडेंट है उसकी साउंड वो जो साउंड जो बीटिंग है ना बीटिंग की साउंड आपको इम्प्रेस करवा देगा पचास साठ स्पीड तक बहुत सही है साठ के बाद जब आप रेव करते हो उसमें एक वाइब्रेशन आता है इट्स ए एंटायरली डिफरेंट वाइब्रेशन स्पीड 400 हंड्रेड पर भी आपको वाइब्रेशन फील होता है रॉयल एनफील्ड की वो जो हंटर है उस पर भी फील होता है लेकिन डिफरेंस क्या है पता है स्पीड फोन हंड्रेड की जो वाइब्रेशन है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है उसका परफॉर्मेंस को मतलब इवन दो वहाँ से थोड़ा वाइब्रेशन अस्सी पे अस्सी पे फील होता है फिर अस्सी के बाद पूरा कंटिन्यू करता है लेकिन आप जैसे रेव करते हो ना वो 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 मोटरसाइकिल परफॉर्मेंस जो ऊपर ऊपर जाता रहता है वाइब्रेशन होता है लेकिन ऊपर ऊपर जाता है एंड दाइब्रेशन इज कॉन्स्टेंट वो आपको रहता है रॉयल एनफील्ड में क्या होता है वो वाइब्रेशन जो है इनक्रीज होने लगता है एंड वो एट एसम्पल टाइम वो जो रेजोनेंस होता है ना आपको मतलब फील होता है कि इंजन से वाइब्रेशन जो है सर्कुलेट होता है पूरा टैंक हैंडल बार फुट पैंक सब पे ऐसा सर्कुलेट होता है जो कि परफॉर्मेंस के लिए भी ऑब्स्ट्रैक्ट करता है आउट एंड आउट एट्टी नाइनटी के बाद आपको लगता है कि इसमें और परफॉर्मेंस नहीं है मतलब बहुत धीरे जो है, है मूव करेगा दिस इज एग्जैक्टली दिस द फीलिंग दैट आई हैव फेल्ट मैं वो ही शेयर कर रहा हूँ अब हो सकता है कि बहुत सारे आरी के okay, राइडर्स जो है जज कर सकते हैं या फिर ट्राइम के राइडर्स जज कर सकते हैं देखो ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन जज करता है मैं इस चैनल पर वैसा ऑडियंस चाहता हूँ जो समझने की कोशिश करें हम क्या समझाते हैं एंड हमसे सुनने के बाद एक बार खुद से जाके ऑब्जर्व करें अगर आपको फील हो रहा है कि सही है नहीं है देखो ऑब्वियसली बात है आपकी ओपिनियन मेरे ओपिनियन हमेशा डिफरेंस डिफरेंस तो रहेगा आप में और मेरे में डिफरेंस शायद ये हो सकता है कि मैंने अपने लाइफ में जैसे पैंतीस छत्तीस बाइक्स ओन किया है तो डिफरेंट काइंड ऑफ मोटरसाइकिल्स मैं चला चुका हूँ छोटा सा लो बड़ा तक और मेरे लिए सबसे बढ़िया एडवांटेज ये होता है कि मैं जो मोटरसाइकिल चलाता हूँ मैं वही जोन पर रहता हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं आप उनको इवन आप भी कोई एक मोटरसाइकिल चलाते तो दूसरा चलाओगे आपको जोन से ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगता है लेकिन मैं जिस मोटरसाइकिल चलाता हूँ वही जोन पे मैं सोचता हूँ कि यार वो मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस उसके हिसाब से कैसा है तो ये एग्जैक्ट फीलिंग है तो इसका मतलब ये है कि जब आप आर् की कोई भी बाइक का इनिशियल जो राइड करते हो उसमें वो इंप्रेशन कैसा आता है बिकॉज दो तीन चीज़ें एक जो है रॉयल इनफील्ड की जो है इनिशियल टॉर्क बहुत अच्छा है क्योंकि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन से इसमें क्या होता है ना टॉर्क बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है लोअर आर पी एम पे सेम चीज़ मतलब आपको समझाने के लिए अगर देखोगे रॉयल इनफील्ड में ना एफर्ट कम लगता है उतना टॉर्क देने के लिए कंपेयर टू द स्पीड फोर हंड्रेड या फिर ऐसे टाइप इंजन जो थोड़ा फास्ट होते हैं और शॉर्ट स्ट्रोक होता है शॉर्ट स्ट्रोक में बहुत फास्ट ऐसे मूव होता है रॉयल इनफील्ड ऐसे ऐसे मूव होता है इसलिए आप मार्क करोगे कि रॉयल इनफील्ड का जो साउंड है वो भी एविडेंट है मतलब शॉर्ट स्ट्रोक जो जैसे मतलब स्पीड फोर हंड्रेड देखोगे वो ग्रू ऐसे चलेगा रॉयल गुड 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 जो चलता है उसी के लिए तो वो फीलिंग आपको आता है लोअर आरपीएम पे एंड आई टोटली अग्री कि यार वो जो लोअर आरपीएम पे जो फीलिंग आपको आ रहा है आई एम श्योर कि वो और कोई बाइक पे नहीं आएगा मेरे ख्याल से हो सकता है कि हार्ले डेविडसन की जो फोर है मैंने अभी तक उसको चलाया नहीं क्योंकि वही सीन है कि बैंगलोर में अवेलेबल नहीं है हार्ली वॉन्ट्स मी टू गो एंड राइड दैट बाइक एट डेली तो वो टाइम नहीं हो रहा है मैं लेकिन सोच रहा हूँ कि कभी ना कभी कर लेंगे कभी बीच में जाएंगे एक लॉन्ग राइड करके उसका भी वीडियो बनाएंगे कि वो भी लॉन्ग स्टॉक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए न्यू जनरेशन लॉन्ग स्टॉक के तो हो सकता है आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है सो so, अभी फ़िलहाल बात करते हैं स्पीड फोर तो ये डिफरेंस है कि आपको इनिशियल्स तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप खाली सिटी में चलाते हो और कहीं और जाते नहीं हो तो आई थिंक वो जो रॉयल एनफील्ड की जो फीलिंग है आप डेफिनेटली एंजॉय करेगा लेकिन द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द सिटी थोड़ा सा भी हाईवे इस पर जाते हो तब आपको थोड़ा सा फील होगा और वो खास करके आपको तभी फील होगा जब आप यू आर लुकिंग फॉर परफॉर्मेंस अगर आपके दिमाग में सेट गया नहीं यार मुझे तो सत्तर साठ के ऊपर जाना नहीं है मुझे परफॉर्मेंस चाहिए नहीं देन आई थिंक वो आपको कोई डिफरेंस नहीं करेगा तो वो है हंटर के साथ डिफिकल्टीज ये है कि यार सीटिंग थोड़ा ठीक नहीं है उसकी सस्पेंशन की क्वालिटी बहुत हार्ड है क्लासिक के साथ तो कंफर्ट आपको बेटर मिल जाएगा बट दैन वट हैपन्स कि जब आप हाईवे पे जाते हो हो सकता है कि क्लासिक ये सब मोटरसाइकिल जो है थोड़े देर दिनों के बाद थोड़े दिनों के बाद आपको बोर लगने लगेगा क्योंकि जब आप दूसरों के साथ राइड करोगे तब आप जो है थोड़ा सा सोचोगे यार मुझे परफॉर्मेंस चाहिए वहां पे जो है स्पीड 400 थोड़ा सा अच्छा काम करेगा जैसे मैं आपको बताया कि हम दोनों रा, राइडर और पिलियन थे वी आर लाइक यार मेरा मतलब 80 और मिली का कुछ सत्तर पचहत्तर वैसे हो मेरे 80 नहीं मेरा 76 है तो जो भी हो डेढ़ सौ किलो तो है मतलब दोनों तो तो मिला के उतना वेट के बाद भी गाड़ी एक से एक कर रहा था गाड़ी क्या बाइक मतलब स्पीड फोर सो दैट इज समथिंग यू मे एन्जॉय देखो आपको एक सौ करना नहीं है लेकिन क्या होता है जो गाड़ी में कैपेबिलिटी है कि वो टॉप स्पीड पे कंटिन्यू कर सकता है वो लो स्पीड पे ना आ, बहुत इजी रिलैक्स फील होता है मतलब आपको ज़्यादा क्या बोलते हैं रफनेस वो लगता नहीं है मैंने जैसे आपको बताया कि अस्सी के बाद वाइब्रेशन होता है लेकिन ऐसा नहीं कि वो वाइब्रेशन आपकी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देगा हो सकता है, है हैंडल बार पे बस हो ये फील होगा लाइट वाइब्रेशन एंड थोड़ी देर के बाद जो है आप वो वाइब्रेशन को भूल भी जाओगे आपको लगेगा कि यार वो पार्ट ऑफ एग्जॉस्ट नोट और इंजन की ट्यून हो ऐसे ही फील होगा सो इट इज दैट काइंड ऑफ वाइब्रेशन ये हो गया जो ओवरऑल फील ऑफ़ द बाइक दोस्तों अभी से जो है ऐसी फॉर्मेट बनने वाला है कि आपको जो रिव्यूज बहुत लेट मिलेगा क्योंकि आजकल क्या हो रहा है देखो हर कोई रिव्यू कर रहा है दोस्तों हमारे चैनल पर मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं था कि हमें जो है वायरली कुछ हिट करके लोगों को लाना है एंड वो लोग जो है आएंगे और एक ही वीडियो देखेंगे उसके बाद कभी दे विल नॉट इवन केयर कि आप कौन हो वी आर नॉट अ चैनल विथ जस्ट ऑडियंस वी आर अ चैनल विद अ कम्युनिटी मेरा हमेशा शुरू से मकसद ये रहा कि हम लोग एक कम्युनिटी बनाएंगे सो so, हमारा चैनल जो है एक राइडर्स कम्युनिटी है अभी भी मैं जाता हूँ मैं कोई इवेंट में कोई अगर गलती से बोलता था कि आपके फैंस हैं आपके फॉलोअर्स हैं मैं इमीडिएटली बोलता नहीं नहीं कोई फैन कोई फॉलोअर नहीं है दीज आर राइडर्स जिनकी दिमाग जिनकी आ, सोच मुझसे मिलता है जिनका हार्ट से हम लोग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रहता है वो कनेक्शन है सो दैट इज़ हाउ वी हैव बिल्ड दिस चैनल एंड दैट इज़ हाउ आई वॉन्टेड टू मेक दिस चैनल अवेलेबल फॉर माई ऑडियंस की वो कनेक्ट रहना चाहिए अगर आपको इस चैनल के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप डेफिनेटली मत सब्सक्राइब करो सी हमारे पास अभी चार लाख चालीस हजार के आसपास जो सब्सक्राइबर है आई विल नॉट इवन हैव एनी प्रॉब्लम अगर ये दो लाख तक आ जाए बट आई वॉन्ट दोज टू हंड्रेड पीपल टू हैव दट सेम काइंड ऑफ माइंड सेट वो होता है ना कि एक फ्रिक्वेंसी मैच करना जरूरी है अगर आप फ्रिक्वेंसी से बाहर देखो हमारे चैनल पर आप देखोगे ना बहुत कम हेड कमेंट्स आता है उसका रीजन भी यही है क्योंकि जिसको फ्रिक्वेंसी मैच करता है वही हमारा वीडियो देखता है जिसको नहीं मैच करता वो कुछ ना कुछ भाग जाएगा एक कुछ कमेंट करता है भाग जाएगा या कुछ कर लेगा और वही सही है वही होने से हम राइट काइंड ऑफ कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं आगे चल के देखो कोई मैटर नहीं करता आपके पास दस मिलियन फॉलोअर है आप, आपको पसंद करते हैं एक हजार लोग कोई फायदा नहीं है उससे अच्छा है कि यार आपके पास 100 ही फॉलोअर हो लेकिन 100 के लोग जो आपके हार्ट से कनेक्ट रहना चाहिए वो बड़ी बात है चलो वही बात दोस्तों अब से जो है ऐसी आएगा मैं वही कोशिश करूंगा शोरूम से बाइक लेने के लिए फिर ब्रांड से भी बात करूंगा कि बाद में वो बाइक देंगे बहुत सारे ब्रांड्स जो है जनरली एग्री नहीं करते जो जो ब्रांड्स सपोर्ट करेगा उससे लेंगे एंड जो ब्रांड सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो रेंटल जो रॉयल ब्रिडर्स की जो रेंटल कंपनी है वहाँ पर अगर रेंट पर मिल गया तो उस पर बात करेंगे अगर वहाँ पर नहीं मिलता है फिर हम दोस्तों में देखेंगे वहाँ से मिल गया अगर कहीं भी नहीं मिलता है फिर तो आपकी हेल्प लेना पड़ेगा कि यार अगर आप लोग बैंगलोर से हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो मेरे पास ये वाली बाइक है मैं चाहूँगा कि आप इस पर रिव्यू करो देन उसको हम लोग कभी जैसे जस, जैसे एक राइड पर गए लॉन्ग राइड पर उस पर पूरा का पूरा चीज़ें समझेंगे एंड अपने अपने ऑडियंस को बताएंगे देखो दोस्तों च बताओ इस दुनिया में ऑनेस्ट होना बहुत डिफिकल्ट है आपके खिलाफ ब्रांड्स हो जाएंगे आपके खिलाफ जो अलग कंटेंट क्रिएटर्स हो जाएंगे आपकी जो ऑडियंस है उनमें से भी बहुत सारे खिलाफ हो जाएंगे बट पॉइंट वही है कि यार आप लाइफ में करना क्या चाहते हो देखो अब जो है यार लाइफ सेटल्ड है तो अब यार राइट right मोमेंट बनता है कि आप जो चीज सही करना चाहते हो बस उसको सही तरीके से करो एंड दुनिया का मत सोचो आप राइट right थिंग करो बस सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे सो सैट्स इट फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वीडियो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू द स्पीड फोन डू लेट मे दर्स टू आंसर दम हाँ बाकी एक और चीज भूल गया कि मोटो जिपी आप लोग मोटो जिपी आ रहे हो तो मेरे पास एक्चुअली मोटो की जो है होंडा यामा मोटो जोपी भारत से भी इन्विटेशन था एंड के टीएम से था बिकॉज मैं एक्चुअली एडवेंचर अभी चलाता हूँ तो मुझे लगे यो के टीएम के साथ ही करते हैं ना ऑरेंज आर्मी को कनेक्ट करेंगे और यामा के साथ मैंने लास्ट टाइम किया था जो अपना मलेशिया गया था तो वो किया था फिर नेक्स्ट ईयर अगर आता है तो होंडा के साथ कर लेंगे किसी और के साथ कर लेंगे वो तो होता रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है सो इस बार जो है के टीम पर मैं रहूँगा तो अगर आप लोग वहीं कहीं हो तो वी कैन कैचअ मतलब आप इंस्टाग्राम पे पिंग करो मैं मोस्टली के टी एम की मुझे एक्जैक्टली exactly पता नहीं कुछ बॉक्स वॉक्स है मुझे पता नहीं कि क्या स्ट्रक्चर वहाँ पे है लेकिन वहाँ जाने के बाद मे बी थोड़ा सा स्टोरी में अपडेट कर दूंगा मिलते हैं यार सब लोग अच्छा लगेगा आप लोग जो भी जहाँ पे भी रहोगे कोशिश करो आने के लिए कोई एक टाइम हम लोग शेड्यूल करेंगे मोस्टली सैटरडे को प्लान करेंगे और गेट टुगेदर करते मज़ा आएगा क्योंकि मोटो जी पी जो है एक काइंड ऑफ वो होता है ना पिलग्रिम पिलग्रिम की वो डेस्टिनेशन होता है जैसे तो वैसी चीज़ है तो मज़ा आएगा यार मैं तो सोच रहा हूँ मेरे लिए तो ये पिकनिक है तो मैं पिकनिक करने के लिए जाता हूँ और आप लोगों के साथ मिलेंगे मजे करेंगे सो बाय बाय टेक केयर गाइस